भागलपुर में मोहर्रम पर्व को लेकर पहलाम के अंतिम दिन पैकर के सामने पुलिस प्रशासन नतमस्तक हो गई। अनलॉकडाउन के बीच मोहर्रम पर पहलाम के अंतिम दिन सांजंगी मेला मैदान में काफी भीड़ उमड़ पड़ी। सरकार की सारी गाइडलाइन को पैकरों ने धज्जिया और अदेवे प्रशासन के सारे दावे फेल कर दिए। भागलपुर में बढ़ते कोरोना महामारी को देखते हुए जहां जिला अधिकारी प्रणव कुमार एसएसपी आशीष भारती ने बार बार मोहर्रम पहलाम मनाए जाने को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन मास्क और सामूहिक भीड़ ना लगाने की अपील की थी और कार्रवाई करने की बात कहते रहे। वहीं पैकरों ने सारी अपील और गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए सांजहांगी मेला मैदान में शरीक हो गए। और तो और सेंट्रल मोहर्रम कमेटी के आह्वान पर भी पैकरों सहित लोगों ने नकाड़ कर मैदान में उतर गए। वहीं जिला प्रशासन की सारी तैयारी थड़ी की थड़ी रह गई। मैं सेंट्रल मुहर्रम कमेटी भागलपुर के संयोजक की हैसियत से अपने तमाम सह संयोजक जो हमारे तकरीबन 35 की संख्या में हैं और अलग अलग मोहल्लों के हैं, मैं सबों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपने स्तर से जो उनसे बन पड़ा जिस हैसियत से हुआ उन्होंने अपनी खिदमत दी। आज मुहर्रम की 10वीं तारीख है, यौम असूरा है और आज ही के दिन हुसैन की शहादत हुई थी और उन्हीं के याद में उनके प्रतीक को पहलाम किया जाता है, उनकी शहादत को याद किया जाता है। इसलिए मैं अपनी ओर से और अपने कमेटी की ओर से चाहूँगा कि जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन तमाम लोगों ने जो मिल करके इस मरहले को पूरा किया है तो वे धन्यवाद के पात्र हैं। लगातार शाम से लेकर के 5 बजे सुबह तक सभी बने हुए रहे, ये उनकी निष्ठा और कर्तव्यपरायणता का जो तक है मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं, इसलिए कि मेरे साथ लगातार वो 5 बजे भोर तक बने हुए थे। मैं आप लोगों के माध्यम से तमाम आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के आह्वान को कि भारत सरकार बिहार सरकार और जिला प्रशासन के साथ साथ सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड के फैसले को उन्होंने अंगीकार किया। सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के माध्यम से उन्हें बताया गया कि कहीं भी अखाड़े नहीं निकलेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भागलपुर शहर में ही सिर्फ 101 अखाड़े को लाइसेंस दिया जाता है जो लोधीपुर से लेकर के चंपानगर तक होता है और उधर सनोली तक होता है। तो ये तमाम लोग अखाड़ा नहीं उठाए ये इस बात का द्योतक है कि वे चिंतित हैं, देश के लिए चिंतित हैं, समाज के लिए चिंतित हैं। मैं उन्हें सलाम करता हूँ। रही बात पैकर की, वो मन्नता होती है, लोग मानते हैं, बीमार पड़ते हैं या कभी नाकामयाबी होती है तो उसमें कामयाबी के लिए दुआ करते हैं कि हुसैन आपके तुफैल में आपके शहादत में अगर हमको कुछ मिल जाए तो मैं आपका पैकर बनूंगा। तो उसमें सभी धर्मों के लोग शामिल होते हैं, ये कोई संगठन नहीं होता है, ये व्यक्तिगत होता है। इसके चलते ही थोड़ा बहुत हम लोगों को जो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी लेकिन उन लोगों ने भी सब्र का जो है इजहार किया। हम उन्हें भी बधाई देते हैं कि इस तरह से उन्होंने सेंट्रल मुहर्रम कमेटी का सहयोग किया और साथ ही साथ पूरे शासन का सहयोग किया जिसमें कि हम कोरोना से बच सकें और अपने समाज को बचा सकें। मैं आपको पुनः बताना चाहूँगा कि इस्लामी कैलेंडर जिसको हिजरी कहते हैं वो 1442 हिजरी शुरू हुआ है। 21 तारीख से 21 अगस्त से जो आज उसकी 10वीं तारीख है और पूरे हिंदुस्तान में भागलपुर ही एक ऐसा शहर है जहाँ शिया और सुन्नी दोनों मिलकर के सेंट्रल मुहर्रम कमेटी चलाते हैं। यह एक मिसाल है। मैं आपके माध्यम से पूरे देश के नागरिकों को बताना चाहूँगा कि जहाँ लखनऊ में खून खराबा होता है, हैदराबाद में खून खराबा होता है, भोपाल में खून खराबा होता है, जूनागढ़ में खून खराबा होता है, वहाँ भागलपुर एक ही मंच पर शिया और सुन्नी बैठ करके मुहर्रम और हुसैन की शहादत को याद करते हैं। वो इसलिए याद करते हैं कि हुसैन की शहादत जुल्मी के खिलाफ था, अत्याचारी के खिलाफ था और वो जमहूरियत के पक्ष में था।
मैं आप लोगों को अपनी ओर से, अपने सेंट्रल मोहर्रम कमेटी की ओर से तमाम मीडिया बंधुओं को भी बधाई देता हूँ। वे भी बहुत ही मेहनत किए हैं और भागलपुर के शान को बनाए रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा उद्घाटन के साथ ही शुरू कर दी गई है।